में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आज से सड़कों पर बढ़ेगा पानी का छिड़काव, एंटी स्मोक गन का भी बढ़ेगा इस्तेमाल, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया। दिवाली की रात में आतिशबाजी के बाद दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में AQI 400 के करीब हवा चलने से कुछ राहत की उम्मीद। दिल्ली में पटाखा बैन का बड़ा उल्लंघन, दिवाली के मौके पर आतिशबाजी से खराब हुई हवा। दिल्ली के कई इलाकों में करीब 400 पहुंचा AQI, आनंद विहार वजीरपुर में बड़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में दिवाली समारोह के बाद बचे पटाखों के कचरे से गंदा हुआ शहर, साउथ एवेन्यू, सरोजनी नगर क्षेत्र और कस्तूरबा से तस्वीरें सामने आई। मुंबई में भी खराब हुई हवा की गुणवत्ता, कई इलाकों में धुंध छाई। यूपी के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, हापुड़ में दिखी स्मॉग की चादर। कानपुर में दिवाली के बाद बड़ा प्रदूषण का स्तर, कई इलाकों में धुंध छाई। आगरा में भी दिखा स्मॉग की चादर, प्रदूषण बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी। चेन्नई में आतिशबाजी के बाद हवा की गुणवत्ता खराब, AQI 190 के करीब। गाजियाबाद में भी दिवाली के बाद जहरीली हुई हवा, हवा की गुणवत्ता 316। नोएडा में दिवाली के बाद बड़ा प्रदूषण, हवा की गुणवत्ता 300 के करीब। फरीदाबाद में प्रदूषण से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, सांस लेना मुश्किल हुआ। पंजाब के कई इलाकों में अब भी जलाई जा रही पराली, मोहाली के एक गांव में पराली जलाते लोग दिखे। हरियाणा में अब भी पराली जला रहे किसान, सिरसा से तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस शासित राज्यों को सलाह दी, जितना दे सके उतने की ही गारंटी। खड़गे ने कहा, वादे बजट के अनुसार हों, नहीं तो सरकार दिवालियापन की ओर चली जाएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उम्र पर विवाद, 5 साल में 7 साल बढ़ गई उम्र। 2019 के शपथ पत्र में उम्र थी 42 साल, इस साल के शपथ पत्र में 49 साल। जेएमएम नेता मनोज पांडे का जवाब, जब डॉक्यूमेंट्स दिया तो रिटर्निंग ऑफिसर चुप बैठे थे और अब बीजेपी हार को देखकर साजिश कर रही है। सीएम योगी ने किया ट्वीट, सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं उनका नामोनिशान समाप्त ना कर दिया जाए, तब तक विश्राम नहीं लेंगे। यूपी की सीसामऊ सीट से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहुंची वनखंडेश्वर मंदिर, जीत के लिए पूजा अर्चना की। मंदिर में शिवलिंग के पास जलाया दीपक, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। ब्रजभूषण शरण सिंह का पप्पू यादव पर बड़ा बयान, कहा बिहार के एक बाहुबली 3 से 4 क्विंटल के हैं, अब सुरक्षा मांग रहे। बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं, अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांग रहे। देश में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, आज भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ और भगवान शिव के धाम केदारनाथ में मनाई जा रही दिवाली। दिवाली मनाने केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कपाट बंद होने से पहले पूजा अर्चना की, तीर्थ पुरोहितों के साथ श्रद्धालुओं के साथ भी मुलाकात की। दिवाली पर बद्रीनाथ धाम में की गई शानदार सजावट, 15 क्विंटल फूलों से सजा बद्रीनाथ धाम। दिवाली पर रामलला का भव्य श्रृंगार, नए मंदिर में पहली दिवाली के अवसर पर रामलला ने धारण किया पीताम्बर। भगवान रामलला को अर्पित की गई बादाम, केसर और मेवों से बनी मिठाई। दिवाली पर योग नगरी ऋषिकेश में देखा बेहद खास नजारा, दिवाली मनाने के लिए बड़ी संख्या में ऋषिकेश पहुंचे विदेशी भक्त। विदेशी भक्तों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई दिवाली, गंगा आरती में भी शामिल हुए विदेशी भक्त। प्रयागराज के संगम में कार्तिक अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। फतेहपुर में लक्ष्मीनाथ मंदिर का दरबार नोटों से सजा, बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। लक्ष्मीनाथ मंदिर को सजाने में लगे 50, 100, 200, 500 के नोट, 108 बत्तियों से महाआरती हुई। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे रक्षा सचिव आर के सिंह, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।
केरल में मनाया जा रहा राज्य स्थापना दिवस, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन शामिल हुए। बेंगलुरु में 69वां कर्नाटक राज्योत्सव दिवस समारोह का आयोजन, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शामिल हुए। उज्जैन में एमपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, एमपी के सीएम मोहन यादव शामिल हुए। झारखंड की बाइक गर्ल कंचन ने हासिल की शानदार कामयाबी, भारत चीन सीमा पर 17,500 फीट की ऊंचाई पर लिपलेख पास पहुंचने वाली महिला मोटरसाइकिलिस्ट बनी। लिपलेख पहुंची झारखंड की बाइक गर्ल कंचन उगुरु सानी, पीएम मोदी से कैलाश कॉरिडोर बनवाने की मांग की। मुजफ्फरपुर में गांव वालों ने बनाया बांस का पुल, दीपावली के दिन खुद किया उद्घाटन। पुल की वजह से प्रखंड कार्यालय की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर हुई 5 किलोमीटर, 18 गांव को फायदा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उतरे सितारे, हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने किया कमला हैरिस के लिए प्रचार, लॉस वेगस की रैली में शामिल हुए। देशभर में छठ की तैयारियां शुरू, छठ पर्व को लेकर रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए बिहार और झारखंड के लिए चलाई कई स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर में अन्नप्राशन समारोह का आयोजन, सीएम योगी ने बच्चों को अन्न खिलाकर अन्नप्राशन कराया। अन्नप्राशन कार्यक्रम में सीएम योगी ने बच्चों के द्वारा बनाई गई रंगोलियों को देखा, सभी को बधाई दी। सिलीगुड़ी में एक स्ट्रीट डॉग रेस्क्यू सेंटर में पशु प्रेमियों ने मनाई कुकुर पूजा, जानवरों को फूलों की माला पहनाई। पशु प्रेमियों ने रेस्क्यू सेंटर को भी फूल से सजाया, साथ ही जानवरों को खाना दिया। पुडुचेरी में छात्रों ने एक शानदार पहल की, छात्रों ने दिवाली के अवसर पर मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। छात्रों ने गरीब लोगों के लिए भोजन भी कराया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य समापन, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का अनोखा अंदाज, अपने जन्मदिन पर खुद चाय बनाकर कार्यकर्ताओं को पिलाई। गांधीनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लाभार्थियों से बातचीत की। दिल्ली के नजफगढ़ में छावला रोड के पास डीटीसी बस में लगी आग, अफरा तफरी मची। डीटीसी बस में पटाखे लेकर सफर कर रहा था शख्स, अचानक लगी आग, दो लोग झुलसे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हाउसिंग में भीषण आग, सोसाइटी के लोग फ्लैट से उतरकर नीचे आए, फायर विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। चेन्नई के कामराज नगर क्षेत्र में पटाखों के कारण भीषण आग लगी, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। कानपुर में एक फर्नीचर की दुकान में लगी आग, हादसे में लाखों का नुकसान। मुजफ्फरपुर के नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर सेंटिंग के दौरान हादसा हुआ, तेल टैंकर की तीन बोगियां बेपटरी हुई। अमृतसर में बीएसएफ ने भारत पाक बॉर्डर पर एक ड्रोन और ड्रग्स बरामद किया, जांच जारी। अमृतसर पुलिस को हथियारों की तस्करी को लेकर बड़ी सफलता, पुलिस ने 12 पिस्तौल, 16 मैगजीन, 23 जिंदा कारतूस बरामद किए। संभाजीनगर में नकली मावा बनाने वाले कारखाने पर पुलिस ने छापा मारा, 6 क्विंटल नकली मावा बरामद।